हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। आप देख रहे हैं कीप लर्निंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस के बचे हुए नोट्स। तो इसमें आपको एटलीस्ट 30 पॉइंट्स बताए जाएंगे, क्वेश्चंस बताए जाएंगे। उसमें से आपके 2-5-6 नंबर तो पक्के हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्पीड में बनाए गए थे ये नोट्स। तो लेकिन बट आपको अच्छे से इतना समझ आएगा कि कैसी है। फर्स्ट है टाइगर बाघ के बारे में। अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देखता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और शिकार की सही स्थिति का पता लगाती हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि बाघ कैसे शिकार की स्थिति को पता लगाता है। वो लगाता है मूंछों के द्वारा। इसी की सहायता से बाघ अंधेरे में रास्ता खोज लेता है। बाघ मूंछों की सहायता से ही रास्ता खोजता है। नेक्स्ट है, बाघ अपने इलाकों की पहचान के लिए मूत्र करके छोड़ते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध पहचान लेता है। ऐसे ही डॉग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है, बाघ अपने इलाके की पहचान के लिए मूत्र करके छोड़ते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र गंध पहचान लेता है। देन बाघ की आवाज़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? 3 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देती है। हमारे देश की सरकार किन राज्यों में बाघ तथा अन्य जानवरों की सुरक्षा के कदम उठा रही है? तो ये उठा रही है उत्तराखंड, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, इसमें शिकार करना यानी वर्जित है, आप शिकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राजस्थान, घाना, ये पड़ता है भरतपुर ज़िले में। इन सभी जंगलों में जानवर के शिकार पर मनाही है, कोई भी इनमें शिकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट बढ़ते हम। ये है लिंग हू फैन क्या है? लिंग हू फैन, तो गाइज ये है लिंग हू फैन क्या है? हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। ये वहाँ का सबसे फेमस डिश है जिसे लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है टैपिको क्या है? यह सब्जी या फल है, केरल के ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये लास्ट प्रीवियस ईयर में ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है लुई ब्रेन कौन थे? लुई ब्रेन, तो फ्रांस के निवासी थे जिन्होंने ब्रेन लिपि की खोज की थी। तो ब्रेन लिपि वो ही होती है जो अंधों की लिपि होती है, जिससे अंधे देखकर पढ़ सकते हैं, यानी ब्रेन लिपि होती है। जैसे आपने देखा होगा किताबें हैं, कई किताबें होती हैं उनमें छिद्र होते हैं, ब्रेन लिपि यानी उसमें छेद किए जाते हैं, तब वो टचिंग अपने हैंड से टच करते हैं, देन वो रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ लिखी हुई है, तो ब्रेन लिपि उसी को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो गाइज ये आधारित है 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है असम में ज़मीन से घर कितनी ऊंचाई पर बने होते हैं? ये भी प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये बने होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे। तो ये कैसे बने होते हैं? बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनाली में किस प्रकार के घर होते हैं, लकड़ी या पत्थर के? यानी दोनों के होते हैं, लकड़ी के और पत्थर के। नेक्स्ट है राजस्थान में घर कैसे तथा उनकी छत कैसी मिट्टी के कैसी होती हैं? तो वो होते हैं मिट्टी के घर होते हैं, दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स बोलते हैं कहवा, और चाय में ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। बल्लभ क्या है? ये भी लास्ट प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है,
ये नाव है जो लकड़ी से बनती है, ये चलती है केरल में। नेक्स्ट है, एक हाथी दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? तो वो खा सकता है 100 किलो से अधिक। हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। हाथी के झुंड में कौन होते हैं? ये लास्ट ईयर रिपीट हुआ था। हाँ, हाथियों के झुंड में कौन होते हैं? हथनियाँ और बच्चे, 10 से 12। हाथी कितने सालों तक झुंड में रहता है? तो फ्रेंड्स, वो रहता है 10 से 15 सालों तक। खेजड़ी के पेड़ कहाँ मिलते हैं? तो ये तो आपको आता होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, पूरा टॉपिक अच्छे से डिफाइन किया था। तो फ्रेंड्स, ये मिलता है राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में। राजस्थान यानी जोधपुर के खेजड़ी गांव के लोगों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड बिश्नोई। यहाँ शिकार और पेड़ काटना मना है। कहाँ? राजस्थान खेजड़ी गांव में। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आगे नोट्स नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम आपके लिए नोट्स लाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करें, और हम दिल से दुआ करते हैं कि आप इस बार सीटेट अच्छे नंबरों से क्वालिफ़ाई करें, और क्योंकि अगर आप क्वालिफ़ाई करते हो तो इसकी खुशी हमें बहुत होती है। सो थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।